कोई बताए मुझे, आप बताए मुझे, इस मोहब्बत, इस खलूस और इस प्यार और इश्क का मैं कैसे करूं? कभी कभी सोचता हूं, और आज तो बहुत सोच रहा हूं, कभी कभी सोचता हूं मैं, और आज बहुत सोच रहा हूं कि आप मुझसे इतनी मोहब्बत क्यों करते हैं? बताएं क्यों करते हैं आप मुझसे मोहब्बत? मेरा ख्याल ना आप बता सकते हैं ना मैं कुछ कह सकता हूं। ये एक ऐसा रिश्ता है जिससे इस पर मुझे नाज है, फख्र है, और मुझे बहुत खुशी है कि मैंने अपने भाइयों के लिए, बहनों के लिए खिदमत की है। उस खिदमत के सिले में मैं आज उनकी आंखों में और चेहरों पे मोहब्बत देख रहा हूं। ये मैंने ठीक बात कही है या नहीं ठीक कही? अगर मैंने कुछ किया ना होता, जैसे कि पिछले 4 साल में हुकूमत को आपने देखा है, अगर मैंने कुछ ना किया होता तो आप मेरी परवाह भी ना करते और आप इस तरह की खुशी का इजहार कभी ना करते। इस तरह की मोहब्बत मैं ना देखता आज, इस तरह का प्यार, इस तरह का इश्क मैं ना कभी देखता। मेरा दिल चाहता है कि मैं आप पे कुर्बान हो जाऊं, कुर्बान। यकीन मानो मैं दिल से कह रहा हूं ये बात मेरे दिल से निकल रही है, और मेरा दिल चाहता है कि मैं आपके लिए वो कुछ करूं जिसकी तवक्को आप मुझसे करते हैं। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है कि आज मैं सुरखरू हूं, अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी जानते हैं कि नवाज शरीफ बेकसूर था, इसको जान बूझ कर सजाएं दी, और सजा देने वाले एक एक करके, वो जज एक एक करके रुखसत हो गए। वो जज भी रुखसत हो गया जो चंद माह के बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने वाला था। वो जज भी चला गया भाई, उसने तो भी 8 महीने के बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनना था, वो क्यों चला गया? क्यों गया? दाल में कुछ काला था, पता था कि चोर की दाढ़ी में तिनका है, और वो मेरे केसों पे मॉनिटर बन के बैठा हुआ था, मॉनिटर। और उसी ने कहा था कि नवाज शरीफ के केसेस जल्दी चलाओ ताकि इसको जल्दी सजा हो जाए और जान छूटे उससे। आज देखे वो इस्तीफा दे रहे हैं और नवाज शरीफ आपके सामने खड़ा है।
पहले खुलूस के साथ कोशिश की। मैं इंशाल्लाह आइंदा भी कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। और मैं देख रहा हूं आपकी आंखों में एक उम्मीद की चमक देख रहा हूं। मुझे बहुत दुख है भाई, मुझे सुन लिया, अब छोड़ दें। मैं 2 मिनट और बात करूंगा, फिर ये मरियम करेंगी बात। जरा 2 मिनट में भी बात, आप खामोश खामोश। मैं आपके जज्बे को सलाम करता हूँ। सलाम, एक दफा मेरी सलाम का जवाब दे दे, फिर चुप हो जाए। मैं आपके जज्बे को सलाम कर रहा हूँ और दिल से करता हूँ, दिल से पेश कर रहा हूँ, और आपका मुंह चूमना चाहता हूँ।